हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। हमारा यूट्यूब चैनल आरपी टेक पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसकेएमयू का एक अपडेट लेके आए हैं, जो कि काफ़ी दिनों से सभी को इंतजार था। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट इस बार एसकेएमयू में एडमिशन लेने से छूट गए थे, चूँकि डेट एक बार निकला था और उसके बाद दोबारा यहाँ पे सेकेंड चांस नहीं दिया गया था। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट छूट गए थे और हमारे चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि कब डेट आएगा, कब से डेट खुलेगा, हम लोग का छूट गया हुआ है, ऐसा बहुत सारा कमेंट आ रहे थे। तो दोस्तों, मैंने सभी को बोला था कि आप एसकेएमयू में आप मेल करें इसको लेके, और बहुत सारे कॉलेजों में भी मैंने बोला था मेल करने के लिए, तो उन लोगों ने भी मेल किया था। तो फाइनली दोस्तों, उन्होंने एक डेट निकाल दिया है, लेकिन दोस्तों डेट बहुत कम दिया गया है। तो आप लोग को इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि कब तक डेट रहेगा, ठीक है, और कैसे अप्लाई करना है, वो सारा चीज़ तो मैंने पहले भी बता दिया था। मैं आप लोग को इसका ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ। अब देख सकते हैं, ये एसकेएमयू का ऑफिशियल नोटिस है। उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि यूजी सेमेस्टर वन जो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था, जो छूट गया था, उन लोगों के लिए यहाँ पे पोर्टल ओपन किया जा रहा है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। दोस्तों, यहाँ पे 2 नवंबर तक ही पोर्टल ओपन होगा, और इस डेट पे यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे फेस्टिवल भी है, तो दोस्तों आप लोग को लास्ट डेट तक यहाँ पे इंतजार नहीं करना है। जो भी ये न्यूज़ देख रहे हैं कि जिनको पता चल गया है कि चैनल पोर्टल यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो वो अपना अप्लाई कर लेंगे। दोस्तों, अभी आप लोग को बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना, ये सेकेंड चांस है, और इसके बाद चांस मिलेगा कि नहीं ये किसी को नहीं मालूम है, बहुत उम्मीद कम है। तो इसलिए दोस्तों, जैसे ही आप लोगों को पता चलेगा कि चांसलर पोर्टल ओपन हो गया, अप्लाई हो रहा है, तो आप लोग कहीं कैफे से या खुद से अप्लाई कर लेंगे। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दिया है, कैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये रीओपनिंग का दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट पेमेंट का यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 नवंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे दिया गया, 5 से 6 नवंबर तक जो पब्लिकेशन होगा यहाँ पे लिस्ट। और दोस्तों, ये लिस्ट पब्लिकली यहाँ पे नहीं दिया जाता, स्टूडेंट को यहाँ पे कॉलेज को भेजा जाता है लिस्ट, और कॉलेज द्वारा जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं जिस कॉलेज में वो वेरीफाई करते हैं। तो वेरिफिकेशन का दोस्तों, वेरिफिकेशन का डेट यहाँ पे 12 से 16 नवंबर रखा गया है, 12 से 16 नवंबर वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आप जैसे ही आपका कॉलेज वेरिफिकेशन होकर अप्रूव्ड हो जाएगा, तो आप एडमिशन पेमेंट कर सकेंगे। दोस्तों, एडमिशन पेमेंट आपको वहीं से करना जहाँ से आप अप्लाई करेंगे चांसलर पोर्टल से। और एडमिशन पेमेंट कैसे करना है, इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बना दिया था, तो आप लोग वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिए हैं, और उसके बाद जब आपका वेरिफिकेशन होके जब अप्रूव्ड हो जाएगा कॉलेज, तो एडमिशन पेमेंट कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया है सेकेंड वीडियो बना के, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का यही मतलब था, आप लोग को इन्फॉर्म करना था कि चांसलर पोर्टल रीओपन हो चुका है। तो जितने भाई लोग मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि मेरा छूट गया है, हम नहीं कर पाए, कैसे होगा, तो उन लोगों के लिए ये बहुत खुशखबरी की बात है। तो वो जल्दी से जाएं और अपना एडमिशन अप्लाई कर लें, जिस कॉलेज में भी वो चाहते हैं अप्लाई करना, वो कॉलेज में वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करें, एक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे की कोई भी जो नोटिस आता हो तो आप लोग को यहाँ पे जानकारी मैं दे दूंगा। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।